अरे हमारे यहाँ जो है बीजेपी जीतत रही पहले, लेकिन अब की जो है कुछ ठेकेदार लोग आ गए, कुछ ठेका ले लें, हार गए। हम ये कहा चाहे तुमसे कुछ ठेकेदार चक्कर में न पड़े, जनता सीधे में, जनता उनका जानत है, पहचानत है, फिर भी जीत जाए आपकी। अच्छा, कौन से ग्राम सभा से हैं? सेना बस। देखिए नाराज उनसे जाके आप पूछ लीजिए, अपने महामंत्री का नाम जानते हैं, उनकी पूरी कमेटी बनी हुई है, जाके आप उनसे पूछना, वो पूरी कमेटी की लिस्ट आप मांगना, उनको ये नहीं पता होगा कि जो है महामंत्री कौन है। अच्छा आप बताइए, आपके सांसद ने क्या किया 5 साल में आपके क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र 5-6 रोडे बनी हुई हैं, 24 है, टिकरौआ है, लगभग 1.5 करोड़ लागत से रोडे बनी हुई है, हर 90% बूथ अध्यक्ष सोलट पा चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीटीवी न्यूज पर स्वागत है, मैं हूं आपका साथी शिव अवस्थी। दरअसल आपको बता दूं कि पिछले ही 2-3 दिन पूरे हमारी वीडियो चली थी जिसमें भाजपा के बूथ अध्यक्षों ने मौजूदा सांसद से नाराजगी जताई थी, जिसको लेकर काफ़ी माहौल गर्म दिखा। आज मैं मंडल सुबेहा के कुछ और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ मौजूद हूँ, आखिरकार इनकी राय क्या है। हमारे साथ यहाँ पर बूथ अध्यक्ष हैं, भाजपा के मंडल के कई उपाध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, मतलब सब भाजपा के ही कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। तो सीधा सवाल इनसे पूछेंगे, क्या ये अपने सांसद से कार्य के को लेकर खुश हैं? नहीं, क्योंकि आज मैं किसी आम आदमी की डिबेट नहीं करने जा रहा हूँ, सिर्फ भाजपा की। अब लोग बहुत सोचते होंगे भाजपा डिबेट कर रहे हैं, भाजपा लोग तो भाजपा पक्ष बोलेंगे। भाई साहब, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो शूट किया था जिसमें भाजपा लोग भाजपा से ही नाराज थे। इन लोगों से पूछना भी लाजमी है, क्योंकि आधे लोगों से मैंने पूछा तो सोचा कि इन लोगों से क्यों ना पूछा जाए। अमरदीप सिंह नाम है हमारा। आप बताइए कि आप अपने सांसद के विकास कार्य और जो अभी तक कार्यकाल घटा कितना खुश हैं? पूर्णतया संतुष्ट हैं। वो अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुछ लोगों ने बताया कि सांसद हमसे मुलाकात करने नहीं आते हैं। ये बात सही है कि सांसद हर घर में या सबके पास पहुंच करके, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र होता है, वो सबके पास नहीं पहुंच सकता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से काम किया, या उनके जो बूथ अध्यक्ष थे, क्या काम किया? अच्छा, आप काम गिना लीजिए। हम काम गिनाए, लगभग हमारे क्षेत्र में 5-6 सड़कें बनवाई, जितने कौन कौन सी सड़कें बनवाई याद हो? 24 में एक सड़क बनाई है, एक रक्साहा में, एक टिकरहुआ में बना हुआ है, ठीक है। और जितने भी बूथ अध्यक्ष थे, लगभग 95% बूथ अध्यक्षों को लाइट दिया गया, और हर चौराहे पे जो आपको लाइट मिली? हाँ जी, लाइट मिली है। अच्छा, लाइट मिली? जी जी। कब लाइट मिली? लगभग 8-9 महीने हो गए। सांसद ने तो नहीं आपको भेजा यहाँ पर कि आप जाके हमारी डिबेट करिए? नहीं, सांसद ने क्यों भेजेंगे? अभी आप डिबेट कर रहे हैं, आप पूछने आ जाए, इत्तेफाक से नहीं मुलाकात हो गई, तो हम आपको जो पूछ रहे हैं आपको हम शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। सांसद से क्या लेना है? सांसद थोड़ी फोन करके हमको बताएंगे, हर बूथ अध्यक्ष को बताएंगे भैया मेरे मतलब बारे में बोझना, जो उन्होंने किया उसके बारे में हम उनको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। कि अभी उस डिबेट में आपने देखा होगा कि कहा गया कि सांसद जी कभी आते नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बाराबंकी का लोकसभा का क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि हर जगह सांसद जी नहीं पहुंच सकते हैं। जो भी बूथ अध्यक्ष समस्या है वो अपने जो है मंडल अध्यक्ष से बताया, विधायक जी से बताया, अगर समस्या का निवारण हो तब का कहना। मंडल कभी मुलाकात ही नहीं करते हैं, कभी आते ही नहीं है। जब आप हर बैठक में जाएंगे, हम लोग भी बूथ अध्यक्ष हैं सेक्टर संयोजक, हर हम लोग हर मीटिंग में जाते हैं, हर समस्या बताते हैं, हमें समस्या सुनी भी जाती है, निवारण भी होता है उसका। अच्छा आप बताइए, आपके सांसद ने क्या किया 5 साल में आपके क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र 5-6 रोडे बनी हुई हैं, 24 है, टिकरौआ है, लगभग 1.5 करोड़ लागत से रोडे बनी हुई हैं, हर 90% बूथ अध्यक्ष सोलट पा चुका है। अच्छा, और सांसद जी चाहे रात को 12 बजे फोन पे, फोन का उठता है, बराबर बात होती है, जो भी कार्य होने वाले तो कार्य करवाते हैं वो। पार्टी में किस पद पर हैं आप? ये भाजपा से नगर अध्यक्ष सेक्टर संयोजक। आप अध्यक्ष शायद आपका फोन उठा लेते हो? नहीं, हमारा ये बूथ अध्यक्ष भी हमारे कार्यकर्ता है, पूछिए। आपका फोन उठाते हैं? 2-3 बार मैंने किया, नाइट में 6-7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब हमने फोन किया है तो कई बार उन्होंने उठाया है। अच्छा, फोन उठाया। हाँ, संतुष्ट भी हुए हैं कार्यशैली से उनके। जैसे कोई मैटर हुआ है क्षेत्र में, कोई मैटर हुआ है, उनकी सूचना अगर हमने दिया है उनको, तो कई बार फोन उठाए हैं, और जो उचित कार्यवाही करने हेतु रहा होगा वो करवाए भी हैं। चलिए बताइए, दीपू साहे जी सभी कार्यकर्ता हैं, इनके छोटा सा काम था, उन्होंने SDM को इतनी फटकार लगे, उसके बाद इनका खुद लेकर DM के यहाँ गए, उनका काम करवाया। क्या काम था भैया आपका, बताइए? हमारा स्लिप नहीं पड़ रहा था सराय राजघाट में, उनके यहाँ गए, हमने अपनी समस्या बताई। किसके यहाँ गए थे? सांसद जी के यहाँ। जी जी, वहाँ बताया तो तुरंत हमारा काम हुआ, SDM साहब को हमके भी, उन्होंने मेरा काम करवाया। अच्छा, आप बताइए आपका काम कुछ हुआ कि नहीं आपके क्षेत्र? एक दो काम हमारे थे तो हम फोन कर। कौन सा काम था आपका? देखिए इनके पहला बहकाव ना, ये कोई भाजपा का नेता नहीं, आम आदमी मिल गए हैं, इसलिए इनसे पूछ ले रहा हूँ। नहीं डरने क्या बात, हमारा काम पड़ा, हम गए फोन करके, उन्होंने हमको टाइम दिया, फिर हम गए हमारा काम किए। अब आप बताइए, आप इनकी तरह तो नहीं है कि बता देंगे 20 बार? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लगातार जो है आते हैं। अच्छा, बूथ अध्यक्षों चाहे जो सबका सम्मान करते हैं, ठीक है। सुबह के लिए सांसद जी ने क्या किया? अच्छा आप बताइए, सुबह के मंडल में जो है सड़कें बनी है, यहाँ ग्रामा में रहने प्रॉपर सुबह के लिए क्या किया बताओ?
यहाँ भी जो ये जो भी योजनाएं आते हैं सांसद जी की बैठक होती प्रधानमंत्री के साथ, वहाँ जाते 6-6 महीने जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, जो योजनाएं बनती प्रधानमंत्री आवास योजना है, लाइट की व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे घर नहीं आए तो उनको वोट ही ना दें। अरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, सांसद एक जिले के होते हैं, जिले के सांसद, जिला बहुत बड़ा होता है। प्रधानमंत्री हमारे सुबह यहाँ नहीं आए हैं तो उनको वोट ही ना दें। सांसद को आ जाना चाहिए था अब तक अपने बूथ अध्यक्ष से मिलने की, आखिर नाराजगी क्या है? मंडल अध्यक्ष जी ने बूथ अध्यक्ष से बात किया लेकिन बूथ अध्यक्ष अपना कोई व्यक्तिगत उनका विरोध रहा होगा या कुछ भी रहा होगा। अच्छा, व्यक्तिगत विरोध है, उन्होंने ऐसा बयान दिया। बाकी हम एक लोगों ने नहीं किया ना बात, वहाँ पर मंडल उपाध्यक्ष थे, बूथ अध्यक्ष थे, तमाम लोगों ने। मैंने क्या बताया, लगभग ये मान के चलिए 95% बूथ अध्यक्षों को लाइटें मिली है, हो सकता उनको न मिली हो, लेकिन मुझे जो जानकारी है लाइट का मतलब उन्होंने कहा हमसे मुलाकात ही नहीं की। मुलाकात संभव नहीं, इसलिए कि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लगभग 2500 बूथ अध्यक्ष पूरे जिले में है, तो कोई भी सांसद जो है पर्सनली किसी बूथ अध्यक्ष से नहीं मिल सकता है। ठीक सर, वोट मांगने आते हैं कार्यक्रम होता है, लेकिन इतनी बड़ी मतलब क्षेत्र है अपना बाराबंकी का, सबके पास तो आ नहीं सकते हैं, इतने लोग रहते हैं, इतने बूथ हैं यहाँ पर, अच्छा। इतने विधानसभा सबके पास तो नहीं सकते हो। अगर कोई काम हो, पर्सनल काम हो, कोई मान लीजिए अपने गांव का काम हो तो फोन करिए, फोन उठाते रात को 11-11 बजे फोन उठाते हैं। अच्छा जी, मतलब सब लोगों ने, सब लोगों की एक बात इसमें कॉमन देखी, सब लोगों ने कहा 11-11 बजे रात तक फोन उठाते हैं। कार्यकर्ता का मेन मकसद होता है कि उसकी कोई भी जो है आपातकाल में कोई भी अगर सांसद जी की जरूरत पड़ती है, कार्यकर्ता 12 बजे रात को फोन मिलाता है, तो कार्यकर्ता का जो समस्या उसका निवारण होना चाहिए। और सांसद जी इसके लिए अभी हमारे बूथ अध्यक्ष जी ने बताया कि उन्होंने 11 बजे रात को फोन मिलाया है, उनका कार्य हुआ है, आना मायने नहीं रखता है। पूरे जिले में लगभग 2400 बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्षों का काम होना, बूथ अध्यक्ष संगठन का होता है, वो अपना काम करेगा। अगर घर का मान लीजिए मुखिया किसी कारणवश आप नाराज, उसका बगावत आप नहीं करेंगे, करेंगे आप बताइए पत्रकार महोदय, बगावत करना नहीं। अगर आप परिवार से जुड़े हैं, कोई भी समस्या तो आप सांसद जी के पास जाइए, बताइए। आपके पार्टी के पदाधिकारी नाराज है ना, पार्टी के पदाधिकारी कौन नाराज है, जो बूथ अध्यक्ष नाराज उनसे जाके आप पूछ लीजिए, अपने महामंत्री का नाम जानते हैं, उनकी पूरी कमेटी बनी हुई है, जाके आप उनसे पूछना, वो पूरी कमेटी की लिस्ट आप मांगना, उनको ये नहीं पता होगा कि जो है महामंत्री कौन है। काम करना मायने रखता है, बगावत करना मायने नहीं रखता है, वो हमारे घर के हमारे अपने हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो मनाया क्यों नहीं आपने? मनाया विधायक, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने उनको फोन किया, जी उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब बाकी जो बात हुई मंडल अध्यक्ष जी से उनकी बात, ठीक है। अब बताइए, आप बताइए आप सांसद जी के कार्य से कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार रावत। रावत जी, तो आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या काम किया है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में 12-13 पूरे विधानसभा में 12-13 लाइटें दी हैं। अरे हर चौराहे पे हाई मार्क्स है। 5-6 रूटें बनाई है हमारे मंडल सुविधा में, और लाइटें तो पूरे बूथ अध्यक्षों को मिल चुकी है, उसमें 10-12 बूथ। आप क्या है पद, आपका कौन सा पद है? मंडल मंत्री युवा मोर्चा, मंडल मंत्री। और युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष तो नाराज है उनसे, कहां नाराज? युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री है, सोचो, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री है। क्या नाम भैया आपका? महामंत्री मैंने, मंडल मंत्री, मंडल मंत्री है। क्या है? मंडल मंत्री। क्या नाम है? सुशील कुमार रावत। सुशील कुमार रावत जी सांसद कार्य से खुश हैं। और युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष, क्या नाम था उनका? विवेक शुक्ला था नाम, विनय शुक्ला, विनय शुक्ला। हाँ। वो नाराज, वो क्या बात है? अब उनकी क्या क्या तकलीफ, उनको पता है, हमको नहीं पता है। जी बताएं जी, हो सकता कोई व्यक्तिगत नाराजगी रही होगी। हाँ। तो हम उनसे बात करेंगे, क्या दिक्कत है, उनसे हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और उनका फोन भी आपको समय नहीं मिला, हो सकता है किसी ने उनको टारगेट किया हो, किसी ने बहकाया हो, किसी ने फुसलाया हो सकता है, आपने ही उनको कुछ जो है फोकस कर दिया, फोर्स कर दिया हो, मीडिया पे आरोप मत लगाइए, मीडिया ने नहीं किया, मीडिया आप उनसे पूछवा लीजिए, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मीडिया उनसे ना कहा कि आप सांसद का विरोध करिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो हमसे किसी काम के लिए कहते हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, एनी टाइम आप उनसे पूछ लीजिएगा, हम उनको जब जिस काम के लिए कहते हैं। 20 बार हुआ है, आपने कहा 10 बार। पत्रकार महोदय जरूरी है कि 200 बार डॉक्टर साहब की दुकान के सामने से निकले, धन लियो गुरुदेव आप। अरे जरूरी है, पूरा जो है सुबेहा मंडल बहुत बड़ा है, अगर ये बता रहे हैं कि 10 बार। सुबेहा की बात है, मंडल की बात नहीं की है। सुबेहा जरूरी नहीं है कि आप 200 बार डॉक्टर साहब की दुकान के होके सुबह हम मंडल आएंगे। हाँ। इसके लिए भी बहुत सारी रास्ता है। हाँ, हो सकता है डॉक्टर साहब ने ना देखा हो, ये कल के वीडियो चले तो फिर नाराजगी देता हूँ, तुम तो विरोध हमारा करती हो। नाराजगी काहे जताएंगे? हाँ। हम क्या इसमें गलत बोल दिए को नाराजगी जताएंगे? हमने क्या उनका बुराई कर दिया, क्या कह दिया? लेकिन जो है गुस्सा भी उनका लाजमी, हम ये नहीं कह रहे हैं। गुस्सा अपनों से किया जाता, गैरों से कोई गुस्सा करने लड़ने नहीं जाता। चलिए तो भैया आपसे पूछ लेते हैं, आप बड़ी देर से, आप पार्टी में किस पद पर हैं? हम किसी पद पर हैं, आम आदमी। अच्छा, आम आदमी आ गए तो आप तो असली बात बताएंगे, बताइए। हाँ। कितना खुश हैं आप सांसद कार्य से? पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अच्छा। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
अरे हमारे यहाँ जो है बीजेपी जीतत रही पहले हाँ। लेकिन अब की जो है कुछ ठेकेदार लोग आ गए हाँ। कुछ ठेका ले हाँ। हार गए हाँ। हम यहाँ चाहे कहा चाहे तुमसे हाँ। कुछ ठेकेदार चक्कर में न पड़े हाँ। जनता सीधे में जनता उनका जानत है हाँ। पहचानत है हाँ। फिर भी जीत जाए आपकी अच्छा हाँ। कौन सी ग्राम सभा से हैं सेनाबाद से अच्छा तो आप तो फिर आप कौन सी पार्टी वोट दिए थे हम बीजेपी दे थे अच्छा बीजेपी दिए थे हाँ बीजेपी वोट दे थे लेकिन पिछले पाँच छह साल से ठेकेदार के चक्कर में पड़ गए तो फिर कहाँ रहो आप फिर हम जहाँ स्वतंत्र रहना अपन हरा दी नू तुम कहना हम जीते हुए अकेले हाँ। हाँ तो फिर हार गए मतलब ठेकेदार के चक्कर में पड़े जनता सीधे हाँ जनता सीधे मेरे जनता उनसे बहुत खुश है सांसद जी से हाँ सांसद विधायक सबसे खुश है अच्छा हाँ काम वाम होता नहीं काम हुआ थे दबाक हुआ चलो ठीक है सबसे राय ले लिया ना भैया कोई पदाधिकारी बचा तो नहीं है डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा के जवाब दिया है समझे नहीं सचिव द्वारा हाई ठीक है तो ये हमारी आज के डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं भाजपा के पद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चलिए अच्छा फिलहाल यहाँ पर जितनी डिबेट थी आप लोगों ने देखा अब आप सोचते होंगे कि बहुत से लोग सोचते होंगे शायद ये लोग जो हमको बुलाए होंगे आपने बुलाया था क्या बिल्कुल नहीं हमने बुलाया नहीं इन लोगों को मैंने बुलाया है जितने भी पदाधिकारी थे क्योंकि इनकी इच्छा थी भाई हमसे भी रूबरू होके तो हमने इनको बुलाया था कि हम वहाँ पर डिबेट हमने किया क्योंकि बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि मीडिया ने प्रायोजित डिबेट कराया था मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ ठीक है मैं प्रायोजित डिबेट नहीं कराता हूँ बीजेपी की बात करो तो सपा वाले कहते हैं प्रायोजित कराएं अगर बीजेपी के खिलाफ बात करो तो फिर बीजेपी वाले कहेंगे प्रायोजित कराया आपने फिर प्रायोजित नहीं है आप जाके पूछ सकते हैं मैं लेकिन फिलहाल यहाँ पर इन लोगों को बुलाया अधिकतर लोग सांसद के कार्य से खुश हैं उन्होंने विकास कार्य कि आप लोग नाराज हो खुश हो क्योंकि जब पार्टी में एकता रही तब पार्टी आगे जा सकता है ठीक है फिलहाल इस डिबेट को यहाँ पर विराम देता हूँ यूपीटीवी के लिए समस्ती की रिपोर्ट।